सरकार में बैठे लोग ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जेडीयू के मंत्री अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अन्य नीतीश कुमार जी साथ हैं लेकिन सहयोगी बीजेपी के हैं, डबल इंजन सरकार में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के अंदर का पोस्टर विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है और जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से लगाए जाने वाले पोस्टर ही ये संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू के अंदर किस तरह से जो धुआं उठता रहा उसकी लपटें अब किस हद तक दिखाई देने लगी हैं। तो इस पूरी सियासत पर, जेडीयू के अंदर जो खुला विद्रोह छिड़ा है, उस विद्रोह पर हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे, बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके प्रवक्ता हैं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी, क्या चल रहा है जेडीयू में, किस तरह ये जो पूरा पावर गेम आप देख रहे हैं, पावर वार देख रहे हैं पोस्टर के जरिए। देखिए, जेडीयू के अंदर जो घमासान है, जो आग लगी हुई है, उससे जेडीयू जलकर खाक हो जाएगी। आधे से अधिक सांसद छोड़कर जेडीयू जाने वाले हैं। विधायक माननीय जितने हैं सब, आधे से अधिक वो नाराज चल रहे हैं, वो छोड़ने वाले हैं। तो जेडीयू में जो खेमेबाजी गुटबाजी है, इसका असर पोस्टर के माध्यम से दिख रहा है। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के आसार हैं, सरकार किसी भी समय गिरेगी। तो इसी का ये ताज़ा प्रकरण है जो दिख रहा है पोस्टर के माध्यम से कि भारी बवंडर है जेडीयू के अंदर। आरजेडी के अंदर से बयान भी आता रहा है कि कई विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में हैं, खबर यह भी आ रही है, आप चाहें तो इसको खारिज कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आती है, हमारी जो समझ है, उस आधार पर हम यह भी कहते हैं, अंदर खाने से भी जानकारी है कि बीजेपी भी आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है और जेडीयू के विधायकों पर, सांसदों पर बीजेपी की भी नज़र है। तो आप भी दावा कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर खाने से भी ये खबरें आ रही हैं, जेडीयू अगर टूटेगी तो उनके विधायक और सांसद कहाँ जाएंगे? देखिए, ये सब काल्पनिक सवालों का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है। ये होगा, वो होगा, इसका इतना तय है कि एनडीए में भारी गतिरोध है, एक दूसरे पर बयानबाजी सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं, सरकार के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार जी पर बीजेपी के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जेडीयू के मंत्री अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई भाजपा का विधायक भ्रष्टाचार पर सवाल, तो ये तो दिख रहा है कि अंतर विरोध है। तो अब आपस में ये लोग लड़ झगड़ ले, इसके बाद हमारी पार्टी की, हमारे नेता की नज़र इन सारे चीज़ों पर है। समय आने पर हम लोग भी जाति आधारित जनगणना को लेकर तो मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, नीतीश कुमार जी आपके साथ हैं। भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ हैं लेकिन सहयोगी बीजेपी के हैं, डबल इंजन सरकार में शामिल हैं। तो बीजेपी उनका कितना भाव देती है, उनकी कितनी बीजेपी मांग को सुनती है, ये तो देखना होगा ना। अभी वो कह रहे हैं अगर नहीं बीजेपी सुनेगी, बात नहीं मानेगी, तो उन्होंने कहा है कि हम छोड़ देंगे साथ, सरेंडर कर जाएंगे। सिर्फ सभी चीज़ों पर, धारा 370 हो चाहे राम मंदिर, सारे मसले पर तो बाद में जो है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए। आप कह रहे हैं कि सरेंडर कर जाएंगे इस मामले को? भाई देखिए, आगे आगे होता है क्या, पहले अभी देखिए। तो चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ थे, जेडीयू के पोस्टर को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और जो पूरा विवाद है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। जेडीयू के अंदर जो कलह मची हुई है, जो विद्रोह मचा हुआ है, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है और उस खबर को लेकर जो भी अपडेट है वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।